वैसे आप लोग सामने देखो यहाँ पे पूरी पूरी गैंगस्टर की स्क्वाड खड़ी इस आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पर मैं पिछली बार आया था तब मैं यहाँ पर खेल खत्म हो चुका था क्योंकि मैं पिछली बार तैयारी के साथ नहीं आया था। बस फाइनली हम उस आइलैंड के ऊपर जाने वाले हैं, उस बार हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे, और क्योंकि पिछली बार हम तैयारी के साथ नहीं गए थे तो हमारे साथ क्या हुआ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो इस बार हम फुल तैयारी के साथ जाएंगे और उन गैंगस्टर्स को खत्म करके उस आइलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कार लूंगा, उसके बाद जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करूंगा और फिर जाऊंगा उस आइलैंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कार ले ली, उसके बाद अब देखो मेरे को यहाँ पर कार भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये कार इतनी फास्ट नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा जहाँ पर कि हमको बोट मिल जाएगी, उससे पहले हमको दो तीन चीज़ें चाहिए वो ले लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ से सीधा, पहले मैप में देख लेते हैं गाइस हमको जाना कहाँ है क्योंकि हमको पता नहीं लोकेशन कहाँ, गाइस कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मिलने वाली मेरे को पता चल चुका है, अब सीधा वहीं पे चलते हैं, ठीक है। और गाइस अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी को चेंज करेंगे, उससे पहले देखो सामने रैंप है उसके ऊपर हम गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। अब गाड़ी गई हवा में है और नीचे आ गई, गाइस ये गाड़ी इतनी फास्ट है ही नहीं, तो हमको सबसे पहले गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा नहीं तो हम जो है लोकेशन पर लेट पहुँचेंगे। तो ये गाड़ी है गैंगस्टर्स की और यहीं से शुरू करते हैं गाइस गैंगस्टर्स के साथ फाइटिंग करना, क्योंकि सेम गैंगस्टर हमको आइलैंड पर भी मिलने वाले, हो सकता है इनकी पार्टी के हो। तो यहाँ पर मैंने फायरिंग शुरू की और दोनों गैंगस्टर बाहर आके मेरे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, बट इनको पता नहीं मेरे पास शॉट गन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक गैंगस्टर को खत्म करता हूँ, वो खत्म हुआ नहीं हुआ पता नहीं गाइस, बट दूसरा वाला गैंगस्टर घूम के मेरे ऊपर आ जाता है, फिर मैं इसके ऊपर फायर करता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर इनके साथ जो फाइट करने का कोई दिलचस्पी नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ से भागना है और गाड़ी लेके। इनकी टीम का एक और बंदा आ चुका है लेकिन गाइस मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, बहुत सारी, तो क्या गाइस एक चीज़ कलेक्ट करनी है, उसके बाद मेरे पास गन तो मेरे पास हो चुकी है, अब गन बोन मिल चुकी है और एमओ भी मिल चुकी है, अब हमको जाना सीधा बोट के पास, एक चीज़ और लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ से सीधा निकलते, देखो इनकी टीम के बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं और पुलिस भी हमारे पीछे पड़ चुकी है, तो यहाँ पर देखो पुलिस से बचना पड़ेगा और यहाँ से हमको जाना सीधा बोट के पास। बोट के पास जाने से पहले हमको एक चीज़ लेनी है, और गाइस बोट के पास जाने से पहले हमको कुछ चीज़ें चाहिए होगी क्योंकि बोट के पास जाने से पहले हमको कलेक्शन करना पड़ेगा। वहाँ पे देखो बहुत सारे गैंगस्टर्स है, अकेला लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट अगर मैं तैयारी के साथ जाता हूँ तो शायद मैं वहाँ पे जाकर जीत के वो पूरा का पूरा आइलैंड अपन कब्जा कर लेंगे। बट मेरे को लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे मेरे को चीज़ें मिलने वाली है। एक चीज़ मेरे को सबसे पहले चाहिए वो है वेस्ट, क्योंकि पिछली बार मैं वेस्ट के चक्कर में खत्म हो चुका था, और यहाँ पर देखो मैं उन गैंगस्टर्स के पास में नहीं जाना है, और ये वाला वेस्ट भी शायद गैंगस्टर्स के पास में मिलने वाला है। और यहाँ पर कार को देखो रास्ता मेरे को मालूम है, शायद इधर ही जाना है, और सामने रैंप पे गाइस रैंप तो उड़ानी पड़ेगी गाड़ी को, ये चली गई गाइस पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी। चलो कोई नहीं, यहाँ से पलटी नहीं हो जाएगा, अरे यार गाइस पलटी हो गई कोई नहीं, सीधी होती है तो ठीक, नहीं तो गाइस हमको कार चेंज करनी पड़ेगी, बट हो गई गाइस सीधी कोई नहीं, हम इसी कार को लेके जाएंगे। अब हमको टाइम वेस्ट किए बिना हमको जाना होगा सीधा वेस्ट लेने, और वेस्ट लेके हमको सीधा हमको जाना है फिर से बोट के पास। अभी गाइस हम जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं गाइस सामने रैंप पे, अब देखो गाइस रैंप से शायद हम थोड़ा फास्ट चले जाएंगे। ये क्या होगा गाइस, पूरी की पूरी 360 हो गई गाड़ी। चलो कोई नहीं गाइस, इस बार हम आगे जाते हैं और देखते हैं, अब हमारा वेस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तोड़फोड़ करते हुए जाते हैं सीधा, थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को गाइस शायद गाड़ी चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम गाड़ी चेंज कर लेते हैं गाइस, वो ट्रक पड़ा है वो ट्रक लेना पड़ेगा। अरे यार हमारी पहले हेल्थ कम है और हम ऑलरेडी हेल्थ कम कर रहे हैं, वो अंदर वाली कार शायद चलती या नहीं मुझे नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी देखेंगे। ट्रक को लेने से पहले मैं देख लेता हूँ गाइस मैप के अंदर कि मेरे को जाना कितना दूर है। अब देखो गाइस थोड़ा सा पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो हम ट्रक लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो हमको गैंगस्टर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। उन गैंगस्टर को हमको ट्रक से उड़ाएंगे या फिर गन से वो देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पास में था तो आपने ट्रक क्यों लिया, देखो यहाँ पर ट्रक लेने का एक रीज़न है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। देखो अब मैं यहाँ से ट्रक को टर्न लेता हूँ, अब मैं सीधा वहीं पे जाऊँगा और गैंगस्टर्स को उड़ा दूंगा, ठीक है। मेरे को जैसे गैंगस्टर दिखेंगे शायद उड़ जाए तो उड़ा दूंगा, इस कंटेनर के पीछे ही शायद गैंगस्टर से वो रहेगा इस, अरे यार मैं उड़ा नहीं पाया, ये टर्न होने में पूरा टाइम लगता है। चलो कोई नहीं, अब मैं जो यहाँ पर गन लेता हूँ, उसके बाद इन दोनों गैंगस्टर्स को उड़ाने के बाद हम लेते हैं, इनसे भी थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी वो भी ले लेंगे, उससे पहले हम जो यहाँ पर सूट वगैरह भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो फायरिंग करना शुरू करते हैं, हमारे पास शॉट गन है, शॉट गन से जो है दोनों को खत्म कर देता हूँ। ये गया एक खत्म और दूसरा भी खत्म। अब गाइस बारी है ये सारी चीजें लेने के बाद, अब फाइनली गाइस हमको मिलने वाला है वेस्ट, और उस वेस्ट को लेके जाना है हमको सीधा बोट के पास। तो देखो यहाँ पे भी दो गैंगस्टर्स हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा तभी जाके हम वेस्ट लेंगे, और इनसे भी कुछ चीजें मिल जाएंगी गाइस, एमओ वगैरह मिल जाएगा और ये खत्म। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा डैमेज मिल गया। चलो कोई नहीं, हमारी हेल्थ वैसे कम थी और भी इन्होंने कम कर दी, तो गैंगस्टर से अब हम पंगा नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम पंगा लेते हैं तो हमारे साथ सीन हो जाएगा, इसके वजह से गाइस इतना टाइम लगा हमको। फाइनली गाइस हमको सारी चीजें मिल चुकी, अब हमको जाना है सीधा बोट के पास, और अब हमको जो है आइलैंड के ऊपर जाना पड़ेगा जल्दी से, और पूरा का पूरा आइलैंड पे कब्जा करना है। देखो अंधेरा होने से पहले हमको जाना पड़ेगा क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर वहाँ पे अंधेरा हो चुका था और हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जो है अंधेरे में फाइट करनी पड़ी थी, और गाइस रात हो चुकी थी, रात के चक्कर में हमने रात में फाइट करी थी और उसके चक्कर में शायद हमको गैंगस्टर ने खत्म कर दिया था। बट हम इस बार जो है फुल तैयारी के साथ जाने वाले हैं और देखते हैं गाइस उन गैंगस्टर्स को खत्म करने का हमारा सबसे बड़ा मिशन रहने वाला है। अब चलते सीधा बोट के पास, और बोट हमको कहाँ मिलेगी, बोल रहा सामने गाइस
आइलैंड भी हमको मैप के अंदर दिखाई दे रहा है और बोट का भी जो सामने ही बोट पड़ी हुई है, ठीक है। और इस बार गाइस शायद हमको नई बोट देखने को मिली है। चलो कोई नहीं गाइस, पानी के अंदर ट्रक को उतार दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ से निकलते हैं और बोट के अंदर जाते हैं। तीन बोट हमको नई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हमको फास्ट बोट कौन सी वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चढ़ जाते हैं ऊपर, उसके बाद गाइस तीन बोट पड़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से गाइस छोटी वाली बोट जो है फास्ट होगी, तो इसको बैठते हैं। बट गाइस ये लोक है, पास में दो बोट और पड़ी और उन दो बोट को देखते हैं गाइस वो लोक है या फिर नहीं। अगर वो लोक होती है तो हम पिछली बार जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से हमको इस बार भी जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से गाइस दोनों तीनों बोट लोक है। तो गाइस पिछली बार जो हम बोट लेके गए थे वही बोट हम इस बार भी लेके जाने वाले हैं, जो कि हमको सामने मिलेगी यहाँ पे। तो मिशन वगैरह है जो कि हमको नहीं करना है। ये कौन सा मिशन है गाइस, चलो इसको हम बाद में करेंगे, यहाँ पे कुछ बाद में देखेंगे। चलो छोड़ो इसको, अभी हम जाएंगे सीधा उस बोट के सामने, वो सामने पड़ी है गाइस, वो वाली बोट है। तो उस बोट के अंदर हम जाएंगे। उस बोट के अंदर भी एक प्रॉब्लम है गाइस, वो बोट बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बट उससे हमको कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ एक ऑप्शन है कि अगर इसको फास्ट चलाना है तो हमको ट्रैक पे चलाना पड़ेगा, तभी जो है हम इससे फास्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, सामने जो ट्रैक दिख रहा है उस ट्रैक के ऊपर जाऊँगा तो जल्दी चल जाएगी, यानी कि वो बोट कोई मिशन है जिससे कि बोट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आप लोग खुद देख लो, जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता। फाइनल गाइस पहुंच चुके हैं हम फर्स्ट ट्रैक के ऊपर, और फर्स्ट ट्रैक के ऊपर जाते ही गाइस रॉकेट बन चुकी है हमारी बोट और दूसरे ट्रैक के ऑटोमेटिकली पहुंच गई। और जैसे हम सेकंड ट्रैक को पार करा और हम आ चुके हैं थर्ड ट्रैक के ऊपर, और सामने दिख रहा है हमको आइलैंड, ठीक है। अब देखो थर्ड ट्रैक पे हम जैसे ही पहुंचे तो हमारी बोट ऑटोमेटिकली फास्ट पहुंच चुकी थी और हम आ चुके हैं गाइस आइलैंड के ऊपर। अब थोड़ा सा दूरी है और गाइस अब जो गैंगस्टर्स जो है वो सामने वाली साइड पे, ठीक है, हमको ऊपर जाना होगा। उससे पहले मैं इस बोट से यहाँ पे उतर जाता हूँ नीचे, उसके बाद गाइस हम जाएंगे सीधा फुल तैयारी के साथ। अब देखते गाइस अब होने वाली रियल फाइट, और देखते गाइस इस फाइट के अंदर गैंगस्टर्स जीतते या फिर मैं। मेरे पास है चार गन। सीधा गाइस मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद देखो मेरे को सामने दिखने वाले वो रे गाइस वो दिख चुके हैं मेरे को गैंगस्टर्स। अब इन गैंगस्टर्स को खत्म कर देता हूँ तो ये आइलैंड हो जाता है गाइस मेरा। तो यहाँ पे मैं छिपते छिपाते उनके सामने आया और मैंने फायरिंग करी शुरू, तभी गाइस उन लोगों ने फायरिंग पता नहीं किस चीज़ से फायरिंग शुरू करी, वो सीधा बम के गोले मार रहे थे मेरे ऊपर, ठीक है। उन्होंने बमबारी शुरू कर दी और वो फायरिंग भी कर रहे थे, बमबारी पता नहीं कहाँ से हो रही थी। बट इनसे देखो मैं इतना दूर था कि मैं फायर कर रहा था, एक गोली ना तो उनकी मेरे को लग और ना ही मेरी गोली उनको लग रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा गाइस कुछ ना करके मेरे को थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। मैंने गन चेंज करके देखी बट एक भी गन से जो है मेरे को वहाँ पर फायर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एक भी गोली नहीं लग रही थी गैंगस्टर्स को जैसे मैं पास में किया, बट मेरे को डैमेज लगना शुरू हो गया, उनको बिल्कुल भी डैमेज नहीं लग रहा था। अब मैंने सोचा अगर मैं पास में जाता हूँ तो वो लोग मेरे को खत्म कर देंगे, तो मैं यहाँ पर छिपता छिपाता जो है मैं पीछे से होकर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन, मैं पीछे से होकर जाने वाला हूँ। बट गाइस मेरे को पता नहीं था कि गैंगस्टर्स मेरे ऊपर ही नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जो मैं उन लोगों को ख़त्म कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा गाइस अच्छा रास्ता कौन सा है और कहाँ से मैं उनके ऊपर फायर कर सकता हूँ। तो इसके बीच में शायद मैं वहाँ पर फायर कर पाऊँगा। सामने मेरे को एक गैंगस्टर दिख रहा है तो मैं उसके ऊपर पहले फायर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने गन ली, उसके बाद देखो सारे के सारे गैंगस्टर मेरे को देख रहे थे, बट मैं इस वाले को पहले मार देता हूँ। एक गैंगस्टर को अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो शायद मेरा कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे मैंने उसके ऊपर फायर किया और सबने मिलकर मेरे ऊपर बमबारी करी और मैं ख़त्म हो गया। और गाइस अगर मेरे को वो आइलैंड चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी टीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को उस आइलैंड के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर मैं वो जो है आइलैंड जीत पाऊँगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर।